रखे आपको जब कह रहे हैं कि सरकार का पिट्ठू था, जज हैयर था, गलत था, सरकार के दबाव में जजमेंट आया हुआ है। चुनाव लड़ेंगे, जनता की अदालत में हम जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जनता मालिक है, जनता भगवान है, जनता के बीच में जाएंगे, जनता से जरूर न्याय मिलेगी। आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एक बार फिर से 10 साल की सजा सुना दी गई है। इसको लेकर अनंत सिंह ने ये कहा कि ये सब कुछ सरकार के दबाव में हो रहा है, और अब इस मामले में उनकी पत्नी भी पहली बार मीडिया के सामने आई है। मीडिया के सामने आकर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। वो तो हम आपको बोल ही दिए, सरकार के दबाव में जजमेंट आया हुआ है, जो भी हो रहा है सरकार के दबाव में हो रहा है, इनको फंसाया जा रहा है। मोकामा में इसको लेकर काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा है, क्या है आगे, चुनाव की तैयारी है आपकी? बिल्कुल, चुनाव लड़ेंगे, जनता की अदालत में हम जाएंगे, और MLA न सरकार बनाती है न अदालत बनाती है, जनता की अदालत में हम जाएंगे और जनता बनाती है, MLA चुनती है। हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं अनंत सिंह, तो अब जाना है हाई कोर्ट? जी जी बिल्कुल जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। न्याय मिलेगा वहाँ पर? बिल्कुल न्याय मिलेगा, न्यायपालिका पे मुझे भरोसा है, जरूर न्याय मिलेगी। जज के बारे में इस तरह का टिप्पणी शायद पहली बार कोई नेता कर रहा होगा, और आज भी बोल्ड दिखे हैं अनंत सिंह। वो तो बोल्ड है ही, और हम लोग मजबूती से इसका सामना कर रहे हैं, और जनता मालिक है, जनता भगवान है, जनता के बीच में जाएंगे, जनता से जरूर न्याय मिलेगी। चुनाव की तैयारी कर रही हैं, RJD से ये स्पष्ट किया गया है कि आपको उम्मीदवारी दी जाएगी? नहीं नहीं, जरूर RJD से ही लड़ेंगे। बातचीत कोई हुई है तेजस्वी यादव किसी अन्य नेताओं से? हाँ, मान लीजिए बात हुई ही है। हाँ, तबीयत खराब है उनका, कल भी पानी चढ़ा है। बता दें कि RJD के मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह काफी दिनों से जेल में बंद है, और अब उन्हें फिर से 10 साल की सजा सुना दी गई है। बता दें कि इसके पहले उनके घर में AK-47 मिलने का मामला, और अब फिर से हैंड ग्रेनाइड मिलने के मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले को लेकर के अनंत सिंह ने मीडिया के सामने ये कहा कि कोर्ट ने सब कुछ सरकार के दबाव में किया है, और अब उनकी पत्नी भी मीडिया के सामने आकर ये कह रही है कि जो भी हो रहा है वो सरकार के दबाव में हो रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि अब क्योंकि छोटे सरकार नहीं है तो मोकामा से चुनाव उनकी पत्नी लड़ेगी। बता दें कि इस बात का ऐलान पहले ही हो चुका था कि अनंत सिंह के गैर मौजूदगी में उनकी पूरी सत्ता को उनकी पत्नी नीलम देवी संभालने वाली है, और अब मीडिया के सामने आकर उनकी पत्नी ने ये कबूल लिया है कि अब अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में वो लोगों के बीच जाएगी, उनसे वोटिंग करने की अपील करेगी।